किसी और के ऊपर डिपेंड होना बहुत हो गया है, अब हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, और यकीन ना हो तो कभी अखाड़े में आके देख लो। मेरी जो स्टार्टिंग है वो मेरे फादर की वजह से हुई है। वो खुद, उनका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो खुद एक एथलीट थे, और धीरे धीरे ऐसे ही हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है वो ट्राई किए, और इन फाइनली जब हम रेसलिंग के लिए गए कि भाई हाँ ये भी अच्छा गेम है, जैसे कि हम घर में एक भाई बहन की जैसे मीठी नोकझोंक होती है और हम एक दूसरे को पटक देते हैं, और मोस्टली उसमें भाई जीतता है क्योंकि उसमें जान ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। तो जब हमने वहाँ जाके देखा कि उसमें जो मैं टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ उससे मैं उसको भी गिरा देती हूँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो गेम। तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो है वो ऐसे, मतलब लोग जो है वो बोलते थे कि लड़की को इतनी सुबह उठा के ले जाते हो और फिर उसको स्कूल भी जाना होता है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो समाज से सुनने में आई थी कि ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, इतना ज़्यादा लोड दोगे तो वो भी टूट जाएंगे। मेल और फीमेल में जो मेहनत है, जो डेडिकेशन आपको चाहिए, जो शेड्यूल आपका है वो बिल्कुल सेम है। फ़र्क इतना है कि हम 8 रैप्स में थक जाते हैं, हमारा फुल स्ट्रेंथ उसमें लग जाता है, उनका 10 में लगता है, लेकिन लगा खुद का फुल एफर्ट रहे हैं। तो हमारा जो रहता है वीकली 3 शेड्यूल जो होते हैं वो स्टेमिना के होते हैं, 2 शेड्यूल जो रहते हैं वो स्ट्रेंथ के रहते हैं जो हम जिम में करते हैं, 2 शेड्यूल जो रहते हैं वो कोर के रहते हैं, और लगभग 5 शेड्यूल जो हैं वो हमारा मैटवर्क रहता है। तो जब हमने देखा कि उसमें जो मैं टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ उससे मैं उसको भी गिरा देती हूँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो गेम। जो लड़कियाँ, अगर इस डर से आप गेम में नहीं आना चाहते कि आपको पीरियड्स होते हैं और आपको प्रॉब्लम होगी या हम नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो आपको इतना फिजिकली फिट कर देगा कि ये चीज़ आपको महसूस भी नहीं होगी कि आपको ये कहीं अड़चन दे रही है। तो हम लोग हैं, हम लोग भी पिछले 15 साल से स्पोर्ट्स कर रहे हैं और हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हम पीरियड्स की वजह से अपना गेम छोड़ दें। तो अब जो पीरियड्स का पेन है वो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हम इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जब मुझे इंजरी हुई तो बिल्कुल लास्ट जो कॉमनवेल्थ थे ग्लासगो के, वो बहुत क्लोज थे और उसमें मैंने उनको मिस कर दिया, मैं हार गई। एक यही धारणा जो है सभी के मन में थी कि सर्जरी के बाद गेम आप नहीं कर सकते, लेकिन जब वहां से सीधा मैं प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 में पहुंची, 25 सेकंड्स टू गो, जब प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 में मेरा जो है वो मैच ओलंपिक और वर्ल्ड की गोल्ड मेडलिस्ट हेलन मारोलस के साथ हुआ, और वो मैं जब जीती तो वो सबसे ज्यादा प्राउडी मोमेंट मेरे लिए था। दिल्ली इच्छा वो ये है कि मैं अपने रेसलिंग में जितना ज़्यादा हो सके मैं यहाँ टाइम स्पेंड करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, और ओलंपिक्स में देश को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार मेडल लेके आऊँ मैं, जिससे मेरे देश का प्राउड बढ़े, और जो हमारी देश में जो लड़कियों की स्थिति है जो कहीं ना कहीं अब ठीक नहीं लग रही है वो सुधरे, और उनके लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊँ। दंगल मूवी में जब गीता और बबीता की शिकायत करने के लिए वो लेडीज आती है और बोलती है ना, देखिए ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारा है, तो मुझे वो डायलॉग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में रियल में हो।